तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे आप किसी और मूवी कास्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। मुझे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन बेटा मेरी एक बात मानोगे? जाने से पहले एक बार प्रीति से जरूर मिल लेना। मेरा दिल कहता है कि वो भी अपना घर छोड़कर जरूर पछता रही होगी और वो लौट आए फिर से ये उजड़ा हुआ घर बस जाए। मनमोहन कृष्ण, इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 26 फरवरी 1922 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 3 नवंबर 1990 में हुई थी। प्रीति बहुत स्मार्ट हो गई, आपने ये तस्वीर देखी? बाय द वे, इसके साथ ये लड़का कौन है? कल अमेरिका से रोहित का ट्रंक कॉल आया था, भानु प्रताप जी। कारोबार की बातें तो हो जाएंगी। वो प्रीति के बारे में पूछ रहा था। पिंचू कपूर, इनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1929 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 28 अप्रैल 1989 में हुई थी। अंकल कुछ बिजनेस डील्स फाइनल करनी थी इसलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा, बट आई मिस्ड यू ऑल वेरी मच। कई बार तो दिल में ऐसा आया कि अमेरिका से फर्स्ट फ्लाइट पकड़ूं, इंडिया आऊं और प्रीति को मिल जाऊं। उस वक्त नहीं आ सका, पर आज वहां से ये एंगेजमेंट रिंग प्रीति के लिए लाया हूं। का प्रसाद नहीं ताना दिया है, कल सारा शहर पड़ेगा कि सेठ भानु प्रताप की बेटी किसी के साथ भाग गई। ये एक बहाना है, जवाब नहीं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हारी और उस लड़के की है। ये वो लड़का कौन है और आपकी बेटी का उससे क्या रिश्ता है? बिंदु, इनका जन्म वलसाड़ में 17 अप्रैल 1941 में हुआ था। इनकी आयु 80 वर्ष है। इनका पूरा नाम बिंदु नानू भाई देसाई है। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम चंपक लाल जावेदी है। इनके भाई बहन का नाम रेशमा है। इनके माता पिता की बात की जाए तो इनके माता पिता का नाम ज्योसन देसाई और नानू भाई देसाई है। ये? असरानी, इनका जन्म जयपुर में 1 जनवरी 1940 में हुआ था। इनकी आयु 82 वर्ष है। इनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम मंजू बंसल असरानी है। अवार्ड की बात की जाए तो इनको फिल्म पे अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल के लिए नवाजा गया था। इनके बच्चों का नाम नवीन असरानी है। उसने रात भर तुझे अपने कमरे में रखा और सिर्फ तेरी देखभाल ही की। सत्यानाश, वो मेरे डैड के अखबार में प्रेस फोटोग्राफर है। हाँ? अजय खन्ना, निहायत शरीर, उदार, कभी किसी का एहसान नहीं। लेकिन आपके पिताजी ये नहीं चाहते। अच्छा हुआ आप आ गए, आइए मेरे साथ। सेठ जी, आपकी बेटी का स्टेटमेंट है कि वो बालिग है और शादी करना चाहती है, और फिर वो लड़का उसे भगाकर भी नहीं लाया, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अमेरिका में तो ये हर रोज की बात है, इट्स हैपनिंग एवरी डे। अपनी रेशमा ने भी तो यही किया। उस दिन घर से पार्टी में गई तो अकेली, वापस लौटी तो जैकी के साथ, कहने लगी हमने शादी कर ली है। ये प्रीति का हस्बैंड करता क्या है? सुधा चोपड़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस। ये लीजिए, कितनी बड़ी होकर आप गुड्डे से खेलती है मेरे जैसा, लेकिन मेरी माँ नहीं है, पता नहीं पापा भी नहीं बताते, लेकिन मेरे पास माँ का दिल है।
दौलत से तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने चला था। दौलत ही मेरी जिंदगी के उसूल बनकर रह गई थी, लेकिन आज आज बस मेरे उसूल मिट्टी में मिलकर रह गए। डैनी डेंजोगपा, इनका जन्म गंगटोक में 25 फरवरी 1948 में हुआ। इनकी आयु अभी 73 वर्ष है। इनकी पत्नी का नाम गावा डिंगजोंगपा है। इनके पिता का नाम देवदत्त पिशोरीमल आनंद है। इनके बेटों का नाम रिंजिंग डिंगजोगपा और पेमा डिंगजोगपा है। इन्होंने कुछ टीवी शो में भी अपनी भूमिका निभाई, जिनका नाम अजनबी, इनके भाई का नाम पी डेंगजोगपा है। पद्मनी कोलापुरे, इनका जन्म मुंबई में 1 नवंबर 1965 में हुआ था। इनकी आयु 56 वर्ष है। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम प्रदीप शर्मा है। इनके बच्चों का नाम प्रियांक शर्मा है। इनके माता पिता का नाम पंडधारी नाथ कोलापुरे और अनुपमा कोलापुरे है। क्या तुम भी वही सपना देख रही थी जो मैं देख रहा था? तो आओ इस सपने में। इनका जन्म बांग्लादेश के बारिशल में 16 जून 1950 में हुआ था। इनकी आयु 71 वर्ष है। इनकी जीवन साथी की बात की जाए, इनकी पत्नी का नाम योगिता बाली है। इनके बच्चों का नाम महाक्षय चक्रवर्ती, दिशानी चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और उष्मे चक्रवर्ती है। इनकी अपकमिंग मूवी द कश्मीर फाइल्स है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको बैक टू बैक अपडेट सारी मिलती रहे। और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।